तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में, जिसमें साथियों आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथियों जैसे कि आप मेरे पास फ़ोन देख पा रहे हो, मोटरोला का कीपैड मोबाइल फ़ोन है, जो कि साथियों अभी शायद मुझे लगता है न्यू वर्जन है, या तो मोटरोला ने अपना जो न्यू वर्जन कीपैड मोबाइल फ़ोन निकाला है वो आप यहाँ पर मेरे हाथ में देख सकते हो। तो साथियों इसमें प्रॉब्लम ये है कि साथियों इसका जो चार्जिंग जैक है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, और मैं आपको बहुत ही छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, बहुत ही छोटी सी अच्छी सी ट्रिक है जिसका आप कहीं भी अगर रिपेयर कराते हो तो उसका आपसे बहुत ही अच्छा जो रिचार्ज है वो यहाँ पर वसूल लिया जाता है। तो सिंपली साथियों मैं आपको इसका जैक दिखा देता हूँ। पहले कनेक्टर ये देखिए साथियों, ये थोड़ा सा आपको इसमें टूटा हुआ सा नज़र आ रहा होगा, मगर साथियों इसके अंदर ये हल्का सा डैमेज तो हो चुका है, मगर जैक हमारा सही है। और इसके अंदर साथियों आपको कुछ कचरा भी यहाँ पर भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो आई होप के साथियों आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। कभी कभी हमारा जो जैक में कचरा भर जाता है उस कारण साथियों हमारा फ़ोन चार्ज नहीं हो पाता। जैसे कि साथियों मैं अभी आपको यहाँ पर इसको जो इसमें जैक में कचरा भरा हुआ है वो यहाँ पर मैं निकाल करके दिखाना वाला हूँ। तो साथियों मैं एक स्टिक ले लेता हूँ जिससे मैं इसको साफ़ करने वाला हूँ, जिससे इसके अंदर की गंदगी मैं निकालने वाला हूँ। ये देखिए साथियों आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, शायद कैमरे की जो क्वालिटी है वो थोड़ी लो है साथियों, इसलिए मैं आपको इसको साफ़ करके ही दिखा देता हूँ। तो साथियों ये देखिए कुछ इस तरह की मैंने छुरी टाइप की यहाँ पर ले ली है, और मैं यहाँ पर जैक को बहुत ही सावधानी से आपको साथियों वर्क करना है। ये देखिए साथियों यहाँ पर कितना ये निकला है इसमें कचरा, ये देखिए साथियों। ये साथियों बार बार पिन लगाने से और जैक साफ़ न करने की वजह से यहाँ पर ये इतना कचरा निकल के आ चुका है। ये देखिए साथियों ये रहा, अब और मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी और भी है। तो साथियों ये देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी जैक में घुसी हुई थी, जिस कारण जो चार्जिंग पिन है वो यहाँ पर बैठ नहीं पा रही थी और ये चार्ज नहीं हो रहा था फ़ोन। अभी भी और है साथियों, ये देखिए अभी भी जैक में फंसी हुई है। ये देखिए साथियों, तो मेरा कहने का तात्पर्य साथियों ये है, अपने जैक की सफाई आप खुद ही स्वयं ही घर पर कर सकते हो, बहुत ही सावधानी के साथ आपको ये सफाई करनी है, और बार बार साथियों अपने फ़ोन के जैक की जो क्लीनिंग है उस पर विशेष करके ध्यान दिया करो, नहीं तो साथियों आपका भी जैक ख़राब हो सकता है, और आपको इसके डालने के अच्छे मोटे चार्जेस आपसे कस्टमर दुकानदार आपसे यहाँ पर ले सकता है। अब सिंपली साथियों हमने यहाँ पर ये इसको क्लीन कर दिया है बिल्कुल पूरे तरीके से साथियों, अब इसमें कोई भी गंदगी नहीं है। देखिए आपको नीचे तक दिखाई भी दे रहा होगा, पूरा ये क्लीन और चिट हो चुका है बिल्कुल साफ। अब साथियों हम इस पर जो अपना चार्जिंग जैक चार्जर है उसको यहाँ पर लगा करके देखते हैं, और उसके हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं। तो सबसे पहले साथियों मैं एक चार्जर ले लेता हूँ। कुछ इस तरह का साथियों हमारे पास चार्जर है। अब यहाँ से साथियों हमारी लाइट साथियों यहाँ पर बंद हो गई, सिंपली साथियों हम इसमें अब बैटरी डाल करके देख लेते हैं। ये देखिए साथियों देखते हैं हमारा जो जैक है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, नहीं तो साथियों इसमें जैक भी डालना पड़ सकता है।
तो फाइनली साथियों ये देखिए जो हमारा जैक है वो अच्छे से वर्क करने लगा है। तो साथियों मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपना जैक कहीं भी रिपेयर कराने से पहले सबसे पहले अपने जो चार्जिंग जैक है वो चार्जिंग कनेक्टर है उस पोर्ट को साफ कर लीजिए घर पे ब्रश से या किसी नुकीली चीज़ से, मगर साथियों बहुत ही सावधानी के साथ। और उसके बाद ही यदि आपका जैक ख़राब आपको नज़र आता है तभी कहीं भी उसको रिपेयर कराएं और तभी दूसरा जैक डलवाएं। तो आई होप के साथियों आज की वीडियो आप सभी दोस्त मित्रों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो पर शेयर करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। और साथ ही साथ जो दोस्त मित्र नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो साथियों मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम जी।